अब आपको अपडेट देते हैं राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण का। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक हुई। एलजी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। गोपाल राय ने बैठक के बाद कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में एकाएक होने वाला इजाफा की स्थिति बन सकती है और इससे निपटने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने गोपाल से प्रदूषण के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन के दौरान डीडीएमए की बैठक के बारे में बातचीत की, देखिए। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार और आईजीएल मिलकर इस तरह के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चला रही है और इसके तहत मंत्री पर्यावरण मंत्री जो गोपाल राय हैं वहां पर इस वक्त एक आईजीएल के सीएनजी स्टेशन पहुंचे हैं और वहां पर ऑटो पर कई जगह पर इस तरह के स्टिकर लगाए। सर, ये जो कैंपेन है, स्टिकर कैंपेन, ये कैंपेन तो चल रहा है, स्टिकर आज लगाने से किस तरह का आप मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह के आप अवेयरनेस? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। अभियान को और गति देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका स्टिकर कैंपेन आज से हमने शुरू किया है आईजीएल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने एक स्टडी में देखा कि पर व्यक्ति पर डे दिल्ली के अंदर जो सड़क पर जाता है सुबह से शाम तक लगभग 12 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। हर रेड लाइट पर 2 मिनट के लिए वो अपने गाड़ी का इंजन चालू रखता है। 2 मिनट के हिसाब से हम देखें तो लगभग आधा घंटा हम सारे लोग अगर रेड लाइट पे इंजन बंद नहीं कर रहे हैं तो आधा घंटा बेवजह हम प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है इसके माध्यम से कि रेड लाइट आए जब तो अपना इंजन बंद करें और जो अपने हिस्से का पोल्यूशन हम सारे पैदा कर रहे हैं उसको कम करें। आज एक अहम बैठक भी हुई डीडीएमए की, आप भी शामिल थे उस बैठक में, किस तरह के स्टेप्स उठाने की बात हुई है? देखिए, कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई लेकिन जो सबसे मुख्य बात हुई है कि जैसे दिल्ली में ग्रैप 2 लागू हो गया, उसके लिए हमने अभी 3 दिन पहले बैठक की थी अधिकारियों के साथ, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने ये देखा भाई, जब ग्राउंड पे चेक करने गया तो हमने ये देखा कि जगह जगह मैन पावर की कमी है। टीमें तो बन जाती हैं लेकिन वही व्यक्ति ये भी काम कर रहा है, वही व्यक्ति वो भी काम कर रहा है, वही व्यक्ति वो भी काम कर रहा है। तो आज डीडीएमए के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली के अंदर जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उन सब लोगों को जो है इस पूरे अभियान में उनको ड्यूटी पे लगाया जाए, इन अलग अलग विभागों के साथ मिल करके वो अभियान को आगे बढ़ाएं। कृत्रिम बारिश के लिए भी अब बात कर रहे हैं कि दिवाली के बाद काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, क्या स्टेटस है उसका, क्या अभी? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हम लगातार पर्यावरण मंत्री जी के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बैठक करके दिल्ली में इसको जो है इस बार लागू किया जाए। आज हमने डीडीएमए की बैठक में एलजी साहब से भी निवेदन किया है कि वो भी केंद्र सरकार से बात करें कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने का जो पायलट है वो इस बार किया जाए। आईआईटी कानपुर ने जो इतनी मेहनत करके रिसर्च की है, मुझे लगता है कि उसको दिल्ली में हमें डेमो करना चाहिए। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत और चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। एलएसी को लेकर हुए समझौते और